अमृतसर और जालंधर में पंजाब पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान भर्ती के लिए आए युवाओं का डोप टेस्ट करवाया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने डोप टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। पंजाब में पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस बार की भर्ती प्रक्रिया पंजाब पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अब की बार सरकार ने आदेश दिया है कि पुलिस भर्तियों में अभ्यर्थियों के डोप टेस्ट किए जाएं। एक बार तो डोप टेस्ट बस हो, बस वो फिर सीधा अपने मेजरमेंट से फिजिकल इवेंट्स से हाजिर हो गएगा, उसका वो कुछ नहीं चला। अमृतसर में शुरू हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भी इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थियों के डोप टेस्ट सुनिश्चित हो पाएं। यहां बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक ही अभ्यर्थियों के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी वालों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया गया है। अगर कोई फेल होता तो दोबारा किया जाएगा, अगर वो दोबारा होना तो फिर उसमें कॉन्सेंट लेके मेडिकल हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जिससे उसका डिटेल्ड टेस्ट। पंजाब पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में लागू डोप टेस्ट के मुताबिक अगर अभ्यर्थी एक बार फेल होता है तो दूसरी बार उसका टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर अभ्यर्थी दूसरी बार भी फेल हो जाता है तो फिर अभ्यर्थी के डिटेल टेस्ट किए जाएंगे। राजन हुसैन, जी मीडिया, अमृतसर।